नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं टेबल फैन से तीन वायरें आई रहती है ना, ये हमें कैसे कनेक्शन करना चाहिए, कैपेसिटर को कौन से देना है और इसमें कॉमन वायर कौन सी है और हमें इसमें 1, 2, 3 को कौन से कनेक्शन करना चाहिए। इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पसंद आया तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, ये देखो, इसमें ये मोटर में से तीन वायर आई है और ये पावर सप्लाई के दो वायर आई और ये 1, 2, 3 का रेजिस्टेंस है। दोस्तों, हमारा तगड़ वाला फैन है तो हमारे को ये रेजिस्टेंस आता है, प्लास्टिक वाला है तो हमारे को रेजिस्टेंस ये टेप में नहीं, दूसरे टेप में प्लास्टिक में आता है। वायरिंग सेम रहती है, इसकी भी वायरिंग सेम रहती है और प्लास्टिक वाला का भी सेम वायरिंग रहती है। दोस्तों, रेजिस्टेंस को ऐसा वायर पूरे जॉइंट कर लो आप, तीन कनेक्शन रहती हैं, तीन को भी हमें इधर एक वायर इधर दो वायर कनेक्शन करो, टोटल तीन चार वायर ऐसा कनेक्शन कर लियो। कनेक्शन करके मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अब हमें इसमें से ब्लैक वायर को येलो वायर को कैपेसिटर कनेक्शन करना होगा। ब्लैक वायर येलो वायर को कैपेसिटर कनेक्शन करो। दोस्तों, करे के बाद पावर सप्लाई में की एक वायर लो, पावर सप्लाई में की एक वायर लेके हमें मोटर की रेड वायर को कनेक्शन कर लो। ऐसा कनेक्शन कर लो और पावर सप्लाई में की हर एक वायर बची रहती है ना, ये हमें लेके जाके इधर स्विच के कनेक्शन इधर दो। इधर सिंगल कनेक्शन रहता है ना, इधर हमारा। दोस्तों, हमें पावर केबल की स्विच को सिंगल इधर कनेक्शन कर लिए हैं। अब हमें इसका रेजिस्टेंस रहता है ना, इसमें चार वायर आई रहती हैं, चार वायर में एक वायर हमें साइड में रख लो, तीन वायर आके हमें इधर देना होगा। इधर एक वायर, इधर एक वायर, इधर एक वायर, इधर तीन वायर भी कनेक्शन करो, सिंगल सिंगल वायर कनेक्शन कर लो। मैं करके आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें रेजिस्टेंस का इसका तीन भी कनेक्शन कर लिए हैं और एक हमें टुकड़ा वायर है ना, इसमें रेजिस्टेंस को जॉइंट है। सो ये वायर लेके आके हमें कैपेसिटर को और येलो वायर कनेक्शन है ना, ये ब्लैक वायर को कनेक्शन करना होगा। मोटर में से ब्लैक वायर आई रहती है ना, ब्लैक को येलो को कैपेसिटर कनेक्शन दिए ना हमें, उसमें हमें मोटर की ब्लैक वायर को हमें और एक रेजिस्टेंस की टुकड़ा वायर देना चाहिए। दोस्तों, दिए के बाद हमारा फैन की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक फैन को वायरिंग कैसे करना चाहिए आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वायरिंग करना का बतलाया हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।